उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय स्कूल के पास युवक का शव संदिग्ध हालात में मिला है। बताया जा रहा है कि युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई है। नौरोजाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। मृतक युवक के पिता सूर्यभान मिश्र कलरी ने सेवारत थे, जो कि फिलहाल रिटायर होने के बाद विंध्या कॉलोनी में निवासरत रहे। मृत युवक इन्हीं के साथ विंध्या कॉलोनी में रहता था। युवक की हत्या कैसे हुई, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए संदिग्ध मौतों का ये चौथा मामला है। आमा डोंगरी ग्राम जो थाना नौरोजाबाद के अंतर्गत आता है, वहां के सरपंच द्वारा पुलिस नौरोजाबाद को सूचित किया गया था सुबह। एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी गांव में पड़ी है, खून से लथपथ है। इस सूचना पर हम लोग वहाँ आमाडोंगरी ग्राम घटनास्थल पर पहुँचे थे। घटना सरपंच के द्वारा मेरे को सुबह पता चला 8 बजे। तो आपका भाई कब घर से लापता था क्या? नहीं, 8 बजे रात में करीब निकला था घर से। तो आपने जानकारी नहीं ली कहाँ गया था? नहीं, यहाँ वहाँ पूछे, फिर पता नहीं चला उसको, आज सुबह पता चला। उनका कोई बात भी चल रहा था क्या किसी? किसी से नहीं बात, ये तो जानकारी नहीं है बात भी बात की। गांव वाले की साजिश लग रही है मेरे को कि यही लोग मारे हैं। इसी घटना करीब तो आज सुबह 6:30 बजे मेरे को ललित किराना स्टोर के द्वारा जानकारी दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक दो चार व्यक्ति और मेरे को फ़ोन लगाए, बोल रहे थे कि यहाँ पे ऐसे ऐसी घटना हो गई। इसके बाद मैं घर से आया तो दो चार लोग यहाँ पे इकट्ठे थे। इसके बाद मैं थाना का इंचार्ज जो सकेश सर है उसको फ़ोन लगाया, फिर देवेंद्र सिंह ठाकुर उसको फ़ोन लगाया, फिर इसके बाद